ये पलटा इस बिस्किट को मैं खाऊंगा नाश्ते में। कर हम पहुंच गए वाले, आप पहुंच गए। मैंने अभी तक अपना नाश्ता भी नहीं किया है। परछाई वाली कठपुतली बच गया भाई, वरना आज तो तेरा हो गया था मरण दिवस। मैं तो मिल रहा है दूर से, कहीं आग लगी है बहुत दूर। कप्तान उठ जाओ, आंखें खोलो, हमला करो, जहाज पर चढ़ जाओ और कोई भी बचना नहीं चाहिए, समझे क्या? अच्छा बिरजू तुम हो क्या, बोलो। उठाने के लिए माफ करना कप्तान, पर छोटे टापू की तरफ से आपकी रोशनी दिख रही है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। जरा मुझे देखने दो, देख के लगता है किसी घर में आग लग गई है। ये क्या, जल्दी से वहां पर पहुंचो, उन दरिंदों को मारकर भगाना है। ठीक है कप्तान, और वहां जो भी जिंदा बचे उसे यहां लेकर आ जाना, और बिरजू ध्यान रखना कि वहां पे कोई बेशकीमती चीज पीछे ना छूट जाए। जरूर कप्तान। इंसान, तुम्हारा नाम क्या है चबूते? टप्पू, मेरा नाम टप्पू। लगता है वो जंगली दरिंदे तुम्हें बस अपना निवाला बनाने ही वाले थे, किस्मत अच्छी थी जो हमने तुम्हें बचा लिया है। नहीं वो सब मेरे, अरे रुक, जरा अंदर तो देखने दे। ससुर के पास एक भी सोने का दांत नहीं है बेचारा। समुद्री डाकू। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी टप्पू, यही नाम बताया ना तुमने। मैं आपका एहसान मंद हूँ कैप्टन। अरे ना, ये काम तो मेरी बाज की नजरों वाले पहरेदार का है जिसने तुम्हारी जान बचाई। दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा। नहीं कैप्टन, ये मेरा दोस्त है। नहीं कैप्टन, ये मेरा दोस्त है। बोलने वाला तोता, सर में दर्द कर देता है ये, इसे सिखाओ कि ये सिर्फ तुम्हारा सर का है, हमारा नहीं। ठीक है कैप्टन। लो पियो, इसे पीते ही तुम्हारी जान में जान आ जाएगी। आप मुझे जरा उस टापू के बारे में बताओ, क्या वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसे, कीमती चीज है क्या कोई? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा जहाज उस जगह पर फंस गया था, खुद को जिंदा रखा हुआ है वक्त के भरोसे और कुछ जिंदा रहने की काबिलियत के साथ। इसके लिए माफ करना। देख के लग रहा है कि इस तोते ने तुम्हें पीना भी सिखा दिया। ये ठीक तो नहीं है दिलेर, पर क्या करूं, तुम्हें बाहर ही रुकना होगा। खुद को जिंदा रखा हुआ है सच में। सुनो, तुम दोनों टप्पू की कहानी का सच सुनना चाहते हो? बिल्कुल, जरूर सुनना चाहते हैं, कम से कम ये तो सुनना ही चाहता है। बस करो, सुन लो मिंकू। वही बिल्कुल आम दिन था टप्पू के मेरे टापू पर आने से पहले, जन्नत के किसी आम दिन की तरह, हर दिन एक जैसा था। खूबसूरत फिरोजी पानी, नीला आसमान और बहुत सारे मजेदार फल। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? बोरिंग है अगर मुझसे पूछो तो। एक परिंदा किसी जन्नत में कितनी देर तक रुक सकता है? मैं इस आइलैंड से भाग जाना चाहता हूँ। देखते हैं आज क्या क्या चीजें बहकर आई हैं। ये तो हमेशा आती हैं। ओह, ये क्या है?
लिए कुछ काम की चीज हो सकती है। कैसी हो रोजी? देखो तो जरा कितने मजेदार फल लेकर आया हूँ। शानदार, बहुत शानदार। जरा उन मजेदार कीड़ों को तो देखो। सही कहा, इनका कोई जवाब नहीं। बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम खटखटेदार। सुनो, यहाँ से कहाँ गया वो? मजा आ गया। चटोरे, ये अच्छा नहीं किया तुमने। आज होने वाले बड़े जश्न में तुम नहीं आ रहे हो? हम सब आ चुके हैं। हाँ, मैं अभी आता हूँ। हर दिन बड़ी पार्टी होनी जरूरी है क्या? तो आज क्या लेकर आए हो तुम? मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। मेरा मतलब जश्न में लाने वाले खाने से है। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या वो पार्टी के लिए कुछ भी नहीं लाया? कितना खूबसूरत है। सुनो दोस्तों, दोस्तों शायद इस बार मुझे एक बहुत ही खास चीज मिली है। जरा देखो तो सही। चाचा जान, तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो। यहाँ पर है। खुशबू अच्छी है। नहीं चाचा जान, नहीं, खाने की चीज नहीं है। ये सबूत है कि हमारे आइलैंड के अलावा भी कोई और दुनिया है। ये फिर शुरू हो गया। सच कह रहा हूँ। क्या हम दो पत्ते से खाना नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। बस मुझे ये बता दो कि ये चीज आई कहाँ से होगी? पानी में से। चटोरे की बात सही है। मैं भी चटोरे के साथ हूँ। मैं भी चटोरे के साथ हूँ। नहीं नहीं, यहाँ कोई चुनाव नहीं हो रहा है। ये कुछ ऐसी चीज है जो जो क्या? मैं बताऊँ ये क्या है मिठू? ये वही चीज है जो तुम इसे मानना चाहते हो। सही कहा। तुम बेकार के सपने देखते रहते हो। तुम भूल गए कैसे समंदर को पार करके दूसरी दुनिया की तलाश में उड़ते उड़ते तुम थक कर मरने ही वाले थे? मेरे प्यारे मिठू, सपने से बाहर आओ और इस पपीते की खुशबू लो, क्योंकि यही तुम्हारी दुनिया है। मैं तुम लोगों की बात सही नहीं मानता। यहाँ से अलग भी एक और बड़ी दुनिया है और मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। अरे देखो भैया, इसे वो नक्शा बनाने वाले को इसकी तो तबीयत जरा बिगड़ गई है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दोपहर का खाना मिल बांट के खा लेंगे। माफ करना, मैं कोई पक्का जहाजी नहीं हूँ। शक्ल से लग रहा है। अगर तबीयत ठीक कर दी है तो हवा जहाँ बह रही है उधर ही चलना होगा। ये बेचारा पेट। थोड़ी देर और रुक जाओ, हमें गंजा टापू पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ तुम्हारा सामना होगा एक आदमखोर से। आदमखोर? समंदर में जाने का फैसला हमारा था, है ना मेरे दोस्त? और कसम से मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। सुनो, जाओ हमारे लिए कुछ खाने को लाओ। ठीक है जाने मन, हम तुम्हें खुश कर देंगे। कौन हमरे साथ चलकर चाय नाश्ता करना चाहेगा? हाँ चलो चिकी चिकी, आ भी जाओ, इतना शर्माने की का जरूरत है? हाँ ऊपर तुम्हारा क्या काम है बच्चे? हम तो बस ये देख रहे थे कि हमारा मुर्गा गोश्त मतलब दोस्त ताजे तो है ना, मतलब गरम, मतलब गरम और नरम। काहे परेशान कर रहे हो? क्यों थका रहे?